देख रही हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को राउ रेवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं करने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। अब राउ रेवेन्यू कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत कर रिहा कर दिया है। इसे लेकर अमानतुल्ला खान ने एक ट्वीट कर कहा कि सच की जीत हुई, दिल्ली की राउ रेवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत दे दी है। इसके लिए उन्हें 1,00,000 रुपए का निजी मुचलका भरना पड़ा है। स्पेशल जज विकास ढुल ने इस मामले की सुनवाई कर अमानतुल्ला खान की जमानत पर मुहर लगा दी है। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीते दिनों गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उनके घर पर भी छापा मारा गया था, साथ ही उनके कुछ करीबी लोगों के ठिकाने पर भी छापे मारे गए थे। इस मामले में ACB ने 24,00,000 रुपए कैश बरामद भी किए थे, जबकि कुछ हथियार भी उनके करीबियों के पास से मिले थे। अब आपको बता दें कि देखिए इस पूरे मामले में जब उन्हें 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया था, बाद में तबियत बिगड़ने पर उन्हें एम्स रेफर किया गया था, उसके बाद ECG में गड़बड़ी पाई गई थी, बाद में उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया गया और ACB ने उनसे पूछताछ की। अब राउ रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। BJP वाले आपसे बौखलाए। इस बीच पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने BJP पर हमला किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि BJP वाले बुरी तरह से बौखलाए हुए, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आपको कुचलने के लिए पहले सतेंद्र जैन, अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया, अब विजय नायर को झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया, अगले हफ्ते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। ये लोग आम आदमी पार्टी के हर छोटे कार्यकर्ता को जेल में डालेंगे। अगर आपको जेल जाने से डर लगता है तो आज ही पार्टी छोड़ दो। इस तरीके से बात कहते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के संयोजक। लेकिन देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान तो जारी किया गया है, लेकिन इस बयान के अगर हम दूसरे पहलू पर नजर डालें तो देखिए एक तरफ जहाँ अमानतुल्ला के बाहर आने की खबरें सामने आई, उसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिन मुस्लिम वोटर्स को यहाँ पर BJP साधना चाहती थी, जिन मुस्लिम वोटर्स पर इस वक्त निशाना साधना चाहती थी दिल्ली में, आज उन्हीं वोटर्स को फिर से एक बार जोड़ चुके हैं। क्योंकि देखिए अमानतुल्ला के बाहर आने के बाद से वो मुस्लिम वोटर्स जो हैं, जो अरविंद केजरीवाल का साथ देते हैं, वो मुस्लिम वोटर्स अब BJP की तरफ अपना रुख नहीं कर सकते। MCD का चुनाव बेहद ही नज़दीक है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि यहाँ जो है वोट बैंक की संख्या पर बड़ा हमला करने के ये बड़े आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन देखिए अंत में आकर के यहाँ पर जो है अमानतुल्ला को जमानत मिल गई है, और चुनाव से पहले मिली इस जमानत के कई सारे मायने निकल रहे हैं, जिनमें यही है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स को देखते हुए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बेहद ही खुश हैं। आप पार्टी के अंदर इस वक्त एक खुशी का माहौल है, क्योंकि जहाँ तमाम नेता जो है वो गिरफ्तारी की कगार पर खड़े हैं, उस बीच में एक नेता को जो है यहाँ पर इस जमानत मिलती हुई नजर आई है। फिलहाल हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।